हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट एडमिशन, मायसेल्फ हिमांशु। और आज इस वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए आईपी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज। तो आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज की कुछ खास बातों के बारे में बात करने वाले हैं हम आज इस कॉलेज में, क्यों ये दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक कॉलेज माना जाता है भगवान परशुराम, और क्यों स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आईपीयू के इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। तो इसके कुछ एडमिशन प्रोसेस और इसकी प्लेसमेंट सेल कैसे काम करती है, बेसिक इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो ये कॉलेज 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर 17 रोहिणी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कोर्सेज जो ये ऑफर करता है वो बीबीए, बीटेक और एमबीए। हम बीटेक को लेकर स्पेशलाइज वीडियो बना रहे हैं, तो हम बीटेक के उपलक्ष्य में बात करेंगे। कॉलेज का जो कैंपस है वो 5.7 एकर्स में फैला हुआ है और 7.3 आउट ऑफ 10 इसको रिव्यू रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी और आप यहाँ पे एडमिशन कैसे पा सकते हैं, यानी एडमिशन प्रोसेस। तो अगर मैं इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, बीटेक के लिए 4 साल का जो कोर्स होता है, 4 स्ट्रीम आपको इस कॉलेज में टॉप मोस्ट देखने को मिल जाएगी, जो आप सब चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी और आपका मैकेनिकल एंड आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो आप चाहते हैं। तो इसकी जो फीस रहने वाली है एक साल की वो है 97,800 आपकी यहाँ की पर ईयर की फीस रहने वाली है। तो एक बजट फ्रेंडली कॉलेज हम कह सकते हैं इसको, काफी अच्छा ये कॉलेज है, भगवान परशुराम के नाम से ये जाना जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो बीपीआईटी के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। और अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो आपको जेईई मेन का एग्जाम और 55% से ऊपर आपके प्लस टू में मार्क्स होने चाहिए, एंड इसके बाद आप जेईई मेन का आपको एग्जाम दिया होना चाहिए। जेईई मेन के एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे अपना एडमिशन करा सकते हैं, जेईई मेन की रैंक के थ्रू। आईपीयू की जो काउंसलिंग होती है 3 राउंड उसके आपको देखने को मिलेंगे। 3 राउंड में अगर आपका नंबर आ जाता है जेईई मेन की रैंक के थ्रू तो वेल एंड गुड। और इसका अलग से भी इस कॉलेज में लाइक आईपीयू का एग्जाम होता है, आईपीयू सीएट का, तो वो भी आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं आज ही। लेकिन अगर आपकी रैंक कम है, आपका मार्क्स 12th के नहीं है इतने, और आपने जेईई मेन का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप हम डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हो। तो जी हाँ, आप इस कॉलेज में भी अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं बेफिक्र होके। आपको क्या करना है, सिर्फ गेट एडमिशन को कॉल करना है और अपने डाउट्स पूछने। गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। अगर आपको भगवान परशुराम में एडमिशन लेना है तो आप गेट एडमिशन पूरी हेल्प करेगा आपका एडमिशन कराने में, या फिर गेट एडमिशन के पास मतलब और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कॉल करें और अपना एडमिशन बुक कराएं। 251 आउट ऑफ 300 इसको बाय एनआईआरएफ रैंकिंग मिली हुई है बीटेक कॉलेजेस में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के कुछ प्लेसमेंट के बारे में, टॉप कंपनीज के बारे में। तो प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉलेज को चुनने से पहले। हर तो 10 लाख पर एनएम इसका हाइस्ट पैकेज आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक का गया है, और 4 से 5 लाख यानी 4 लाख या फिर उससे कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ का मीडियम पैकेज देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, और जैसे कि मैं आपको सबको बताता हूँ कि आईपीयू के जो कॉलेज में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो यही होता है कि आपको यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आपकी हाफ ऑफ द फीस आपको वापस भी मिल सकती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हर सेमेस्टर में तो आपको एक अच्छी खासी मतलब आपकी जो पेमेंट है वो आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये कॉलेज जीजीएस आईपीयू से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आईपीयू का ये कॉलेज है तो आपको टेंशन लेने की भी कोई जरूरत है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो फैसिलिटीज की अगर मैं कुछ बात करूं तो लाइब्रेरी, कैंटीन, सेमिनार हॉल्स, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ फैसिलिटीज है जो आपकी सुविधा अनुसार, और बीटेक के लिए अलग अलग लैब्स और फैकल्टी जो आपको एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर देगी, अच्छे से आपको सिखाएगी, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, काफी अच्छा, नीट एंड क्लीन, अच्छी वाइब देता है। तो मेरे को, तो मैं पर्सनली गया हूँ तो मेरे को काफी अच्छी वाइब्स आई हैं। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप गेट एडमिशन को कॉल करें या मेल करें, वो आप लोगों की इच्छा है। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि वीडियोस कैसी लग रही है, क्या क्या हमें और अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस किस कॉलेज में हम एडमिशन बना सकते हैं जो आप लोगों को चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।